मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी को कायदे से कार्रवाई करनी नहीं करेंगे तो फिर ऊपर की जांच एजेंसी है, आज नहीं तो कल उस पर कार्रवाई होगी, तो फिर मुख्यमंत्री भी तैयार रहे उसके लिए। जहां उनके दलाल बिचौलिया लोग गए हैं वहां जाने के लिए भी तैयार रहे। छाने के लिए पहले तो उन्होंने क्या किया कि भाई विभाग उनका चेंज कर दिया। भाई ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं होता है, सजा नहीं होती है। ट्रांसफर तो रेगुलर भी होते रहता है सचिवों का या पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का। हम लोगों ने क्या मांग किया था भाई, उनको निलंबित करनी चाहिए थी, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए थी, लेकिन वो सब किया नहीं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी जो कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, तो उनको बचाने के लिए यही उन्होंने जांच बिठाया। और भी रिटायर जो BK गुप्ता की अध्यक्षता में, भाई क्या मतलब है, उन्होंने एक नहीं कई एक गड़बड़ी की हुई है। एक गड़बड़ी तो कल ही मैंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, पुलिस निगम में किस प्रकार से वहाँ के जो इंजीनियर चीफ थे उसकी बहाली हुई है, उसका एक्सटेंशन हुआ है, एक एक दिन में कैसे फाइल मूवमेंट किया है। उन्होंने पुलिस निगम की ओर से गोड्डा में जो पुलिस हाउस का वहाँ पर जो टेंडर हुआ, विशाल चौधरी के कंपनी को टेंडर दी गई, और जब विशाल चौधरी के घर पर जब रेड हुआ तो इंजीनियर ने उसकी टेंडर को रद्द कर दिया। आप जरा सोचिए, और रद्द ही नहीं किया, रद्द करने के बाद जो सिक्योरिटी मनी जमा होता है वो भी आदेश दिया गया कि उस पैसे को उनको वापस कर दिया, जर पैसे उसको विभाग ने वापस कर दिया। और बाद में इंजीनियर को समझ में आया कि ये तो आप फंसने वाले हैं, तो फिर उनको पत्र लिखा है कि साहब उससे पैसा फिर से रिकवर किया जाए। ये क्या खेल चल रहा है? क्योंकि वहां सचिव कौन थे गृह विभाग में, कारा विभाग में, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का थे, और उन्होंने प्रभाव का किस प्रकार से दुरुपयोग किया है अपनी पावर का, वो एक छोटा एक नमूना है। वो भी देखिए, आपने देखे होंगे पहले भी मुख्यमंत्री किस प्रकार से अपराधियों को बचाने की वो कोशिश करते हैं, उसका एक दूसरा ये नमूना है। दूसरा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो कल उन्होंने निर्णय लिया है कि VK गुप्ता के अध्यक्षता में जांच कमेटी उन्होंने बनाई और ये हमने कहा कि ये दूसरा नमूना है। तो पहला नमूना आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि प्रेस में भी आया था, मुख्यमंत्री सचिवालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था, साहेबगंज में जो पत्थर की इलीगल जो ढुलाई, आप देखिए उसमें कितनी बढ़िया तरीका से उन्होंने कारीगरी किया। उन्होंने एक कमीशन बनाया, SIT गठित किया VK गुप्ता की अध्यक्षता में, और कहा कि ट्रेन में इलीगल जो सप्लाई हुई है उसकी जांच करेगी। लेकिन वो ट्रेन में कहां से आया इसको जांच नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो DMO, वहां के उपायुक्त, ये सारे लोग इन्वॉल्व है, वहां के पुलिस महकमे में जितनी भी उससे जुड़े हुए पदाधिकारी सारे लोग इन्वॉल्व है। हम ही नहीं कह रहे कि आप जांच मत करिए, रेलवे भी जांच करिए, वो भी दोषी होंगे तो वो भी सजा मिलेगा, लेकिन जांच कहां से होनी चाहिए? जहां से पत्थर का उत्खनन हुआ है, जहां से उसकी स्रोत है, लेकिन वहां से वो जांच नहीं करेंगे, उसको सीधा सीधा उन्होंने क्या बोलते हैं, मैंने क्लीन चिट अपने लोगों को बचाने के लिए। भाई ऐसा कोई जांच होता है क्या?
हम लोग तो कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री जी आप पूरे मामले आप सीबीआई को सौंप दीजिए ना, और नहीं तो आप वीके गुप्ता से ही जांच करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच वहां से होनी चाहिए जहां से पत्थर की खदान की उत्खनन हुआ और वहां से ट्रांसपोर्टिंग हुआ और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, ये सारे चीज़ों की पता चल जाएगी। नहीं तो ट्रेन में जांच करके क्या पता मिलेगा, ये कैसे करी कर रहे, कैसे बुद्धिमानी कर रहे हैं, कैसे समझाना की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये जो मुख्यमंत्री ने ये दूसरा कारीगरी किया है, मंत्री को भी पूछेंगे तो शायद वो लोग भी आपको नहीं बता पाएंगे कि वो लोगों ने क्या बनाया है। तो हालत ये है, हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री को, बताइए भाई आपने पूरे राज्य की यात्रा की, 1932 की आपने चर्चा करते रहे, बढ़िया ढोल गांव क्या बोलते हैं पिटाते रहे, खूब खुशी आपने मनाए, हम लोगों ने भी सदन में उनको साथ दिया, हम लोग क्या हुआ, कौन सा नीति बनाए, 32 कहाँ चला, क्या हुआ। वो तो कह रहे हैं कि राज्य के युवाओं का बहुमत था हमारे, नहीं हम कर राज्य के युवाओं का, तो फिर 6-7 लाख युवाओं ने जो ट्रेंड किया है 60-40 नहीं चल, तो एक बता दो फिर वो कौन युवा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता, अरे यार बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताओ, 6-7 लाख युवा अगर आज विरोध कर रहे हैं झारखंड की जनता, झारखंड के नौजवान, तो वहाँ बीजेपी कहाँ है, बीजेपी तो उन नौजवानों के साथ है, उन लोगों के साथ है। इसलिए राज्य की इतनी छोटी सी बातें हैं मुख्यमंत्री को आकर के बतानी चाहिए सदन में खड़े होकर के, कौन बहुत बड़ी बात तो हम लोगों ने कही नहीं उनसे, अगर इतनी भी बताने को डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं या पता नहीं क्या हो रहा है मुख्यमंत्री जी को, तो ये तो हम लोग मांगेंगे, ये तो हम लोगों का अधिकार बनता है, नहीं तो फिर झारखंड की जनता कहेगी कि भाई आप लोग चुप क्यों रहे, सरकार से क्यों नहीं पूछे, सदन चल रहा है। हाँ सदन चलते अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो शायद हम लोग नहीं पूछते, हम लोग कहते कि कब कर रहे हो, ये बात हम लोग उनसे पूछते, लेकिन अब तो उन्होंने किया है तो फिर उनको बताना पड़ेगा, और इतने के लिए ही हम सब लोग सदन में बार बार आवाज़ उठाना पड़ता है, अपने को भी अच्छा नहीं लगता है भाई, इतनी छोटी सी बात अगर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से निर्णय लिया, अगर उस निर्णय को भी मुख्यमंत्री अपने मुख से बताने में संकोच कर रहे हैं, बताने में वो डर रहे हैं या क्या हो रहा है पता नहीं, ये तो मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे, तो ये गलत है कि नहीं है बताइए आप ही लोग, उसको क्या दिक्कत है, कितना बड़ा मांग हम लोगों ने कहा, कितनी बड़ी बातें हम लोगों ने कहा, उन्होंने तो छोटी सी बातें कही, तो इतना ही तो मुख्यमंत्री को कर, बाबूलाल जी राजीव अरुण एक्का वाला जो प्रकरण है, हाँ असली 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, तिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल, हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और बुलडोज को ट्रॉफी से नवाजे, लगता है समाधि ले ली, अरे बुला रहे हैं, अरे बोल रहे हैं कि टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान,